दोस्तों फ्री फायर का न्यू ओबी 43 अपडेट जस्ट 24 जनवरी को आने वाला है और उससे पहले कैसे भी करके भाई मुझे ये वाला सीरीज कवर करना था जहां पर मैं फ्री फायर के रेकमेंडेड कॉम्बिनेशंस के बारे में बात करता हूं और अपना ओपिनियन शेयर करता हूं कि भाई वो जो कॉम्बिनेशंस फ्री फायर हमें खुद से रेकमेंड करता है क्या उनको आपको यूज करना चाहिए या फिर नहीं। तो जो भी लोग न्यू है उनको बता दूं कि भाई इस सीरीज के अंदर हम लोग उन कॉम्बिनेशंस के बारे में बात करते हैं जो कि फ्री फायर वाले हमें गेम के अंदर खुद से रेकमेंड करते हैं बैटल रॉयल और क्लैश स्क्वाड के अंदर यूज करने के लिए। अब क्लैश स्क्वाड वाला वीडियो हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन के अंदर फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बेस्ट रेकमेंडेड कॉम्बिनेशंस फॉर बीआर रैंक के बारे में। बट उससे पहले गाइस वीडियो को लाइक और शेयर करने में कोई कंजूसी मत करना और हां गाइस हम लोग 40,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज्यादा क्लोज है तो जल्दी से यार चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा 40,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दो। ओके सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो और बात करते हैं आज के हमारे फर्स्ट रेकमेंडेड कॉम्बिनेशन के बारे में जो कि है एक टीम वर्क कॉम्बिनेशन जहां पर यूज किया गया क्रोनो प्लस थीवा प्लस सीरो प्लस नारी को। अब ऑब्वियसली क्योंकि भाई इस कॉम्बिनेशन का नाम ही टीम वर्क कॉम्बिनेशन है तो आप इस को डुओ या फिर स्क्वाड के अंदर ही यूज करना क्योंकि यहां पर आपको थीवा का एबिलिटी देखने को मिल जाता है जो कि बेसिकली आपके टीममेट के लिए बेनिफिशियल होता है जिससे कि आप अपने टीममेट को सिर्फ एक ही सेकंड के अंदर रिवाइव देके अपना खुद का टाइम भी बचा सकते हो और अपने टीममेट्स के काम भी आ सकते हो। अब इससे गाइस आपको शॉर्ट रेंज के अंदर ना काफी बढ़िया बेनिफिट मिलने वाला है क्योंकि वहां पर अगर आपका टीममेट डाउन होता है तो उसको आप लोग सिर्फ एक ही सेकंड के अंदर रिवाइव देकर अपना फाइट कंटिन्यू कर पाओगे जिससे कि आपको भी बेनिफिट मिलेगा और आपके टीममेट को भी बेनिफिट मिलेगा जिससे कि आप लोग शॉर्ट रेंज फाइट्स को इजीली निकाल सकते हो। और बाकी शॉर्ट रेंज फाइट के लिए भाई ऑलरेडी आपके पास क्रोनो का एबिलिटी है जो कि फाइट के लिए काफी यूजफुल एबिलिटी है और बाकी रिवाइव देने के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हो। और इसके अलावा यहां पर जो हमें सीरो का एबिलिटी देखने को मिलता है उससे बेसिकली होता ये है कि जब भी एनिमी आपको डैमेज देता है तो उसका लोकेशन कहां है, उसने कहां से डैमेज दिया है, ये आपको और आपके सभी टीममेट को पता चल जाता है। बेसिकली एनिमी के ऊपर एक मार्क आ जाता है तो उसके मदद से आप लोग सभी मिलकर उसके ऊपर अटैक कर सकते हो जिससे कि जिसने भी आपको डैमेज दिया है वो इजीली खत्म हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर आप लोग डुओ या फिर स्क्वाड में एज अ सपोर्टर क्रोनो कैरेक्टर को लेकर खेलते हो तो आप लोग इस वाले कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हो, लेकिन इस कॉम्बिनेशन को यूज करके आप लोग इंटेंस रसिंग मत करना क्योंकि तब आपको इस कॉम्बिनेशन के अंदर कमी देखने को मिलेगा क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है ये टीम वर्क कॉम्बिनेशन है, रसिंग कॉम्बिनेशन नहीं है। ओके, सो इसके बाद जो हमारा अगला कॉम्बिनेशन है उसका नाम है सर्वाइवल जहां पर यूज किया गया वुकोंग प्लस लियोन प्लस जोटा प्लस हयातो को। अब भले ही इस वाले कॉम्बिनेशन का नाम सर्वाइवल है लेकिन इससे आप लोग जोन के अंदर सर्वाइव मत करना क्योंकि भाई ये जो कॉम्बिनेशन है ये फाइट से सर्वाइव करने के लिए बना है ना कि जोन के अंदर सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो यहां पर आपको शॉर्ट रेंज फाइट के लिए वुकोंग और हयातो का एबिलिटी देखने को मिल जाता है जो कि भाई शॉर्ट रेंज के अंदर तबाही मचा सकता है और एचपी रिकवर करने के लिए आपको लियोन और जोटा का एबिलिटी देखने को मिल जाता है जो कि ऑब्वियस है भाई अगर आप लोग शॉर्ट रेंज फाइट करोगे तो वहां पर आपका भी एचपी कम होगा जैसे कि यहां पर मेरे वाले केस के अंदर हुआ था। और अगर आपके पास लियोन या फिर जोटा का एबिलिटी होगा तो इससे आप लोग फाइट्स को इजीली निकाल पाओगे और बाकी हयातो और वुकोंग तो है ही आपके पास। तो अगर आप लोग भी फुल मैप के अंदर वुकोंग कैरेक्टर को यूज करके फुल रस गेम प्ले करते हो सोलो डुओ स्क्वाड किसी के अंदर भी तो आप लोग इस वाले कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हो, वहीं अगर आप लोग सर्वाइव करते हो तो आप इसको बिल्कुल यूज मत करना। ओके, सो इसके बाद जो हमारा अगला कॉम्बिनेशन है उसका नाम है अटैक कॉम्बिनेशन जहां पर यूज किया गया स्काइलर प्लस ओथो प्लस रफाइल प्लस मारो को। अब देखो आज के मेटा के हिसाब से ना मेरे ख्याल से जो स्काइलर का एबिलिटी है वो काफी ज्यादा यूजफुल एबिलिटी है क्योंकि आजकल भाई ऑलमोस्ट हर एक बंदा डिमिट्री सोनिया नायरी को यूज करता है, वॉल से पैक करते अपने आप को रिवाइव कर लेते हैं। लेकिन अगर आप लोग स्काइलर कैरेक्टर को यूज करोगे तो भले एनिमी के पास नायरी ही क्यों ना हो उसके वॉल को आप लोग काफी इजिली फोड़ सकते हो और अगर वो डिमिट्री से रिवाइव हो रहा होगा तो उसको आप लोग काफी इजिली कंप्लीट कर सकते हो। तो भले ही गाइस एनिमी के पास डिमिट्री सोनिया या फिर कुछ भी हो या फिर ना हो स्काइलर के एबिलिटी को यूज करके आप लोग उसके वॉल को डिस्ट्रॉय कर सकते हो और उसको इजीली लॉन्ग रेंज के अंदर से डैमेज देकर मार सकते हो। तो भले ही आजकल बहुत सारे बंदे डिमिट्री सोनिया और नायरी के एबिलिटी को यूज कर रहे हैं जिनका नंबर अपडेट के बाद डेफिनेटली कम होने वाला है, लेकिन जब तक बंदे इसको यूज कर रहे हैं तब तक आप इसको टैकल करने के लिए स्काइलर के एबिलिटी को यूज कर सकते हो जो कि शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज दोनों के अंदर ही काफी बेनिफिशियल है। बाकी अगर मैं इस वाले कॉम्बिनेशन की बात करूं तो वैसे तो ये कॉम्बिनेशन भाई है लॉन्ग रेंज के लिए, मतलब कि अगर आप लोग लॉन्ग रेंज फाइट्स ज्यादा करते हो तब आपको ये वाला कॉम्बिनेशन डेफिनेटली यूज करना चाहिए, लेकिन हाँ इससे आप लोग थोड़ा बहुत शॉर्ट रेंज फाइट भी कर सकते हो। ओके, सो अब जो हमारा आखिरी रेकमेंडेड कॉम्बिनेशन है जिसका नाम है इन्फो जहां पर यूज किया गया होमर प्लस सूजी प्लस मोको प्लस कैली को। अब देखो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये आपके लिए और आपके टीममेट्स के लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है क्योंकि यहां पर आपको होमर और मोको का एबिलिटी देखने को मिल जाता है जिससे कि आप लोग पता कर सकते हो कि आपके आसपास कोई एनिमी है या फिर नहीं है और अगर है तो कहां पर है, जो कि रैंक पुशिंग के टाइम पे काफी यूजफुल बन जाता है। और अगर आपको उनके ऊपर रस करना है तो यहां पर रस करने के लिए कैली का भी एबिलिटी देखने को मिल जाता है क्योंकि काफी बढ़िया एबिलिटी है। साथ में आपको यहां पर सूजी का एबिलिटी मिलता है जिससे अगर आप लोग किसी भी एनिमी को मारते हो एलिमिनेट करते हो तो उससे आपको एक्स्ट्रा एफएफ कॉइन मिलता है, साथ में अगर आप लोग कॉइन मशीन से लूट करते हो तो वहां से भी आपको एक्स्ट्रा कॉइन मिलता है जो कि आपके टीममेट को रिवाइव देने के लिए काम आता है, साथ में वेंडिंग मशीन से लूट करने में भी काफी काम आता है। तो आप लोग वैसे तो इस कॉम्बिनेशन को सोलो के अंदर भी यूज कर सकते हो और स्क्वाड या फिर डुओ के अंदर अगर आप लोग इन्फॉर्मेशन शेयर करके खेलना पसंद करते हो, मतलब कि एनिमी कहां पर है, कहां पर एनिमीज के ऊपर रस करना है, कब रस नहीं करना, ये सभी इन्फॉर्मेशन शेयर करके गेम प्ले करते हो तब आप इस वाले कॉम्बिनेशन को यूज
यूज कर सकते हो। अब इन चारों कॉम्बिनेशंस को देखने और यूज करने के बाद मेरे को जो लगा कि भाई ये जो सभी के सभी कॉम्बिनेशंस है ये पर्टिकुलर रोल के लिए पर्टिकुलर चीज के लिए काफी बढ़िया है। लाइक अगर आप लोग टीम वर्क वाला कॉम्बिनेशन देखोगे तो वो उनके लिए बढ़िया होने वाला जो कि अपनी टीममेट का मदद करते हैं, उनको मदद करना अच्छा लगता है, उनको ये वाला कॉम्बिनेशन अच्छा लग सकता है। वहीं जो सर्वाइवल वाला कॉम्बिनेशन है मतलब वुकोंग वाला कॉम्बिनेशन है वो इंटेंस रसर्स के लिए है। मतलब कि ये जो चारों के चारों कॉम्बिनेशन है वो अलग अलग रोल के लिए होने वाला है, तो अलग अलग रोल्स के हिसाब से काफी बढ़िया और काफी यूजफुल कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर कोई बंदा ऑलराउंडर है मतलब कि वो सर्वाइव भी करता है, फाइट भी करता है, अपने टीममेट का हेल्प भी करता है, तो वो बंदे जो है वो किसी भी कैरेक्टर को यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन के अंदर उनको थोड़ा बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे अपने रोल के अकॉर्डिंग। तो ऐसे बंदों के लिए भाई हमारे चैनल के अंदर काफी सारे कॉम्बिनेशन वीडियोस है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। जो कैरेक्टर आप लोग यूज करते हो उस कैरेक्टर के साथ भी आपको काफी सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी ये वीडियो ये तक अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज गाइस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर कर देना, और ऐसे और भी कमाल के वीडियोस के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करने के बाद साइड में जो बेल आइकन आएगा उस पर क्लिक करके ऑल पे प्रेस कर देना हमारे ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए।